हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू केक एंड रेसिपीज। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मिल रही हूँ और एक नया रेसिपी लेके आ रही हूँ। जो भी हमारी परेशानी थी वो थोड़ी थोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ठीक हो रही है इंशाल्लाह, उम्मीद रखी हूँ मैं, और आपके दुआओं से तो अच्छा हो रहा है। ओके, तो आज मैं फट से आपसे फुल वीडियो लेके आ रही हूँ, फुल रेसिपी। वो है अंडा और कैप्सिकम का, हाँ एग एंड कैप्सिकम का भुर्जी है। ओके, मसाला भी बोल सकते हैं, एग एंड कैप्सिकम का मसाला, चपाती के साथ खा सकते हो, खाने के साथ भी आप खा सकते हो। ओके, चलो देखते कैसे बनाते हैं अंडा और कैप्सिकम का भुर्जी मेरे अंदाज में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों, अभी मैं अंडा भुर्जी के लिए पैन लिया है, 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा और सौंफ डालूँगी, इससे अच्छा सा फ्लेवर आता है। अभी इसमें ये बे लीफ ऐड की हूँ। अभी इसमें 2 मीडियम साइज़ ऑनियन चॉप करके ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद उसको थोड़ा अच्छा सा सॉटे करिए गोल्डन ब्राउन आने तक ऑनियन का कलर। अभी थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करके फिर से 2 मिनट इसको सॉटे करना है। सॉटे करने के बाद अभी इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। आप चाहिए तो अदरक लहसुन कूटा हुआ भी डाल सकते हैं, मैंने पेस्ट डाला है। अभी इसमें करी लीव्स और धनिया पत्ता थोड़ा ऐड कर लिया है फ्लेवर के लिए। अब इसमें स्पाइसेस जाएगा, 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून डालने के बाद अभी इसमें 1 टेबल स्पून फुल धनिया पाउडर, उसके बाद इसमें कूटा हुआ धनिया रोस्टेड करके रखा हुआ है मैंने, वो 1/2 टेबल स्पून ऐड किया है, वो डाल के अच्छा उसको मिक्स कर लेना है। एक मिक्स देने के बाद थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ मैं। ये शिमला मिर्च और अंडा भुर्जी बनाने के लिए ये इसका मसाला रेडी हो रहा है। थोड़ा सा पानी ऐड किया था मैंने। अभी इसमें 2 छोटे मीडियम साइज टमाटर ऐड कर रही हूँ, 4 अंडे के लिए 2 मीडियम साइज प्याज, 2 मीडियम साइज टमाटर ले सकते हैं आप। थोड़ा पानी डाल के इसमें इसको अच्छे सा मसाले को पकने छोड़ रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अच्छा सा खुशबू आने लगा है मसाले का, क्योंकि इसमें सौंफ ऐड हुआ है। अभी देखिए अच्छा सा ये मसाला पक गया है। अभी इसमें मैं 4 एग्स डाल रही हूँ, 4 अंडे डाल रही हूँ बीट करके। अंडा डालते ही उसको एक मिक्स करना है, इसे मिक्स कर लीजिए। देखिए मिक्स करने के बाद उसको ढक के 2 मिनट्स पकाना है। पकाने के बाद वो नीचे मतलब उसको अच्छा सा सॉटे करके एक मिक्स देने के बाद अभी इसमें दूसरे पैन में मैं 1/2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। उसमें 1 कैप्सिकम मैंने शिमला मिर्च लिया था, वो तेल में डाल के थोड़ा उसको सॉटे कर रही हूँ। उसमें फ्लेवर आने के लिए रेड चिल्ली पाउडर है ना, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, वो थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून कलर दिखने के लिए। सॉटे अच्छा सा सॉटे करने के बाद 5 मिनट्स आप उसको सॉटे कर सकते हैं। कुक होने के बाद शिमला मिर्च वो अलग उठा के रख लेना है। अभी देखिए अंडा भुर्जी के मैं वो ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद एक मिक्स दे के अंडा भुर्जी और अंडा और कैप्सिकम अच्छा सा मिक्स करके रेडी हो गया है हमारा अंडा भुर्जी। देखिए हो गया है, मैंने मिक्स कर दिया है उसको। अभी डिश आउट करके आपको बताऊंगी अंडा भुर्जी। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ गया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। कमेंट में ज़रूर लिखना एक ऐसा लगा आपको अंडा भुर्जी, ये आप चपाती के साथ खाने के साथ भी खा सकते हो, अंडा मसाला भी बोल सकते हो।